हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे ई बाइक का स्कूटी का चार्जर यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आया है। तो दोस्तों, ये कबाड़ी से लेकर आया ऐसा लगा, क्योंकि इसने काफ़ी जगह पे बताया हुआ था, तो जहाँ पे इसका सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे दिखाया था, तो उसने बोला कि भाई ये नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस चार्जर को आज हमें रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले का भी वीडियो हमने बनाया था, तो इसको भी हम कौन सा वाला SMDIC लगेगा और कौन सा यहाँ पे MOSFET लगेगा, तो इस वीडियो में दोनों आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो अभी मैं यहाँ पे इसे पलट लेता हूँ और उसके बाद में सभी वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे प्लग ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में दिखे, तो यहाँ पे जो हमारा 300 वोल्ट पहले चेक करते हैं, यहाँ पे 300 वोल्ट बनता है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 300 वोल्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट ओके मिल रहा है। तो अभी दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे 300 वोल्ट पहुँच रहा है या नहीं। तो पहुँच रहा है, देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, तो पहले तो ये ICB खराब हुई होगी, तब भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो दोस्तों, पहले इसका VCC सप्लाई में यहाँ पे एक बार देखता हूँ, तो यहाँ पे VCC सप्लाई में क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 15 वोल्ट VCC सप्लाई जो आता है, ये प्रेजेंट ओके है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो एक छोटा सा एक LED लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये LED यहाँ पे ब्लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, प्लस मैंने गेट के तरफ रखा है यहाँ पे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे 300 वोल्ट जमा रहते हैं। तो यहाँ से निकाल देता, देखिए निकल दिया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव लगेगा LED का, और यहाँ पे हमारा माइनस LED का लगेगा। देखिए LED लगा लिया है, तो अभी एक बार ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑन किया, तो जो हमारा ड्राइवर IC है ना, ये काम करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा LED है ना, वो ग्लो करेगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ, तो ये रजिस्टर जला हुआ लग रहा है मुझे, तब भी ये काम नहीं कर रहा है, देखिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे इसका VCC सप्लाई देखता हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई डाउन हो गया, तो IC को निकालना ही पड़ेगा। तो अभी आपके सामने IC निकालता हूँ, और दूसरा हमारे पास है, तो उसे मैं यहाँ पे दूसरा लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, शॉक लग सकता है। तो मैं फिर से एक बार निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। तो इस IC को मैं पहले निकलता हूँ। तो अभी दोस्तों फिलहाल एक रजिस्टर यहाँ पे जला हुआ है, ये भी ग्राउंड के साथ हमें कनेक्शन करना है। तो पहले IC को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपके पास भी पुराना ये बाइक का चार्जर, ई बाइक का चार्जर है, पड़ा हुआ है, तो आप हमें रिपेयरिंग में भेज सकते हो, 100% ओके हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इसे निकालने के बाद यहाँ पे एक आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे एक यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ पे चला हुआ है। तो मल्टीमीटर से देख लेते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक 2 ohms का भी चलेगा, 1 ohms का भी चलेगा। तो एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे 1 ohms का रेजिस्टेंस लिया है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ।
काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा, तो ये शॉर्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ, तो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ। PWMIC यहाँ पे दूसरा हमें डालना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ पे आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। इसमें नंबर दोस्तों दिखे तो शायद इसका SP1602 इसका नंबर है दोस्तों, तो ये दिखेगा नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हमें देख के लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी यहाँ पे मैंने बिठा लिया है। तो अभी सोल्डरिंग करना पड़ेगा दोस्तों, ये नहीं चलेगा क्योंकि आयरन से हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग करना है हमें। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी इसे मैं साफ कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी ऑन कर लिया है। तो अभी हमारा LED यहाँ पे ग्लो नहीं करा, जब तक हमारा LED यहाँ पे पल्स नहीं आएगा तब तक हमारा यहाँ पे MOSFET काम नहीं करेगा। तो फिलहाल तो हमने IC लगा लिया, तो वोल्टेज नहीं चेक किया था, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे फिक्स वोल्टेज रहना चाहिए। तो अभी देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वोल्टेज तो आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा पल्स आना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। और ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो आपको ये रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा कहाँ पे लगा है दोस्तों। तो ये निकल दिया, तो एक 22 ओम्स या 18 ओम्स रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मैंने 18 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये यहाँ पे लग गया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे यहाँ से एक बार ऑन करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे जो चार्जर है स्कूटी का, वो यहाँ पे बिल्कुल ओके हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका पल्स बना। तो अभी इसे इसका MOSFET यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो MOSFET लगाया है 15N65 का, ये MOSFET लगाया है 15A 65V का। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, तो इसका हीटसिंक नहीं है, तो अभी यहाँ पे चेक करने के लिए तो लगाना पड़ेगा, बाद में तो हम दूसरा हीटसिंक लगा लेंगे। तो अभी दोस्तों फिलहाल यहाँ पे MOSFET लगा लिया है, तो अभी यहाँ पे ऑन करके देखता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जैसा ऑन किया, तो यहाँ पे देखिए दोनों इंडिकेटर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जल गया। तो अभी यहाँ पे सप्लाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बनेगा 65V के करीब में बनना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो कट है, ये इसे काम नहीं करेगा। तो पहले यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टच होगा, तब ये यहाँ पे इनपुट लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो है ना सप्लाई,
कितने 70 वोल्ट के करीब में बन रहा है, तो ये 5 बैटरी चार्जर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। 2-3 बार दोस्तों इसमें शौक लगा, लेकिन डरना नहीं है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।